9/2. It is permissible for the capital provider, on the basis of his interest, to place restrictions on the actions of mudarif. Ab baat ho rahi hai restricted mudarif ki, ke rabbul mal mudarif ke upar restrictions laga sakta hai. Thus mudarba operations may be restricted to a specified time and place. वो वक्त की भी लगा सकता है और जगह की भी लगा सकता है. सो दैट द मुदारिब मे ओनली इन्वेस्ट द मुदारबा फंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और इन स्पेसिफाइड कंट्री और इन अ मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. वो ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है. इन एडिशन मजीद ये कि द मुदारबा ऑपरेशन मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सेक्टर सच एज सर्विस सेक्टर और ट्रेड सेक्टर or a single commodity or a group of commodities. वो ये कह सकता भी A, B, C, D, F इन प्रोग्राम्स में लगा सकता वरना नहीं लगा सकता. However, restricting the mudarba operations to certain commodities is circumscribed with the condition that such commodities must be commonly available. ऐसी हूँ जो हर जगह हर वक्त आराम से दस्तियाब भी होती हूँ, रेयर प्रोडक्ट्स ना हो जो कि वरना फिर मुदारबा अफेक्ट हो जाएगा. सो दैट द अदर थिंग्स being equal, the restrictions will not prevent the objectives of mudarba contract from being achieved. क्योंकि फिर उससे मुदारबा के मकासद हासिल. मुदारबा का मकसद क्या है कि प्रॉफिट कमाना. जब प्रोडक्ट ही रेयर है, मिलती ही कहीं कहीं से है, तो चार दिन अगर वो आने में लग जाएगा, चार दिन तो जाए चलेगा बिजनेस के, इसी वजह से मुदारबा के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल द कमोडिटीज टू विच मुदारबा इज रिस्ट्रिक्टेड मस्ट नॉट बी स्कार्स, उसकी कमी ना हो. सीजनल, वो किसी इसके ना हो कि भाई एक सीजन के, मिसाल के तौर पर जनवरी में पैसे दे रहा है और आमों का कारोबार, भाई वो तो सीजनल है, वो कब आएगा, इसी वजह से इस तरह की ना लगे ताकि बिजनेस अफेक्ट ना हो. और इन अ वेरी लिमिटेड सप्लाई, या उसकी सप्लाई तो लेकिन बहुत कम तादाद में, विद द कॉन्सिक्वेंसेस दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अचीव्ड. The capital provider is not permitted to stipulate that he has a right to work with the entrepreneur in a mudarib and to be involved in selling and buying activities or supplying and ordering. Usko ye ijazat nahi hai ki wo mudarib ke sath is tarah ki mudakhalat kare. Wajah kya hai? Iske piche nafsiyat hai. Nafsiyat ye hai ki usool Islam ne kya diya, nuksan hoga to kaun bear karega, जिसका माल है कैपिटल प्रोवाइडर. अब नुकसान हो गया, जैसे ही नुकसान होगा, रब्बुल माल की नफसियात क्या है, वो किस पर बल्डन डालेगा, वो कहेगा कि मुदारिब तेरी नेगलिजेंस की वजह से हो गया. अच्छा मुदारिब क्या कहेगा, ये इंटरव्यू, ये तो आपने मुदाखलत की थी, जगह जगह पे आपने मुझे कहा यहाँ करो, यहाँ ना करो, यहाँ ना करो, यहाँ करो, तो इस वजह से तो लॉस हो गया, मामला अदालत चला जाएगा. अदालत के सामने भी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये लॉस नॉर्मल एनवायरनमेंट की वजह से हुआ या इसकी मुदाखलत की वजह से हुआ, तो बिजनेस प्रॉब्लम बन जाएगी. तो शरिया ने इस वजह से ये इब्तदा में ही मना कर दिया कि भाई रब्बुल माल तुम्हें इजाजत नहीं है बिजनेस डिसीजन में मुदाखलत करने की, ये रब्बुल माल का डिसीजन है, रब मुदारिब का डिसीजन है, उसी को लेने दो ताकि ये एस्टेब्लिश हो सके कि ये लॉस उसकी नेगलिजेंस से हो रहा है या नॉर्मल बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है. आप बात समझ आई, तो ये पीछे लॉजिक है इसके. हाउएवर द मुदारिब शुड रेफर टू हिम इन परफॉर्मिंग एनी एक्शन एंड शुड नॉट एक्ट विदाउट कंसल्टिंग हिम. हाँ वो ये कह सकता है कि खास एक्शन हो कि जिसमें उसके मशवरे की जरूरत पड़ती हो तो फिर वो उसे मशवरा मांग सकता है, उसे कंसल्ट कर सकता है. आल्सो द कैपिटल प्रोवाइडर इज नॉट एंटाइटल्ड टू ले डाउन कंडीशंस दैट विल रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और एक्शंस ऑफ मुदारिब. वो ऐसी शर्त भी नहीं लगा सकता जो उसके इख्तियारात के ऊपर मजीद पाबंद कर दे उसको, सच एज स्टिपुलेशन दैट मुदारिब मस्ट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अदर्स. यानी तुम ऐसा करो, शर्त यह है कि तुम फुलां बंदे के साथ पार्टनरशिप के साथ मिलकर काम करोगे. क्यों भाई, मुमकिन है मुदारिब की उसके साथ बनती ना हो, मुमकिन है मुदारिब को उसके ऊपर एतमाद ना हो, मुमकिन है मुदारिब को ऐसी बात जानता है जो रब्बुल माल ना जानता हो और बिजनेस में लॉस हो जाए, तो ये ऐसी शर्त उसके साथ नहीं लगा सकता रब्बुल माल. और अ स्टिपुलेशन
या वो ये शर्त लगाए दैट द मुदारिब मस्ट मिक्स हिज पर्सनल फंड्स विद द मुदारबा फंड, वो ये भी उसको लाजिम नहीं कर सकता कि मैं इस शर्त पर तुम्हें मुदारबा करता हूँ कि तुम अपनी तरफ से भी इसमें पैसे शामिल करो। इसमें एक और उसूल वायलेट होता है शरिया का, वो कौन सा? वो है टू कॉन्ट्रैक्ट्स, कंबिनेशन ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिंजेंसी बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्ट्स। इस्लाम ये भी उसूल देता है कि दो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इंडिपेंडेंट हो, आपस में इंटरकनेक्टेड ना हो, इस तरह इंटरकनेक्टेड ना हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के होने से दूसरा हो या एक के होने से दूसरा ना हो। अब अगर वो कह देता है मैं मुशारकत नहीं करता, तो वो कहेगा ठीक है मैं मुदारबत नहीं करता, इसका मतलब है मुदारबत इज डिपेंडिंग अपॉन मुशारका, तो दो कॉन्ट्रैक्ट आपस में डिपेंडेंट हो गए। और इस्लाम इसको क्या करता है? मना करता है। इस्लाम इसको क्या करता है? मना करता है। ये इस्लाम की बेसिक प्रिंसिपल्स में आता है। नाइन बाई फोर, द मुदारिब मस्ट कैरी आउट ऑल द वर्क दैट एनी सिमिलर एसेट और फंड मैनेजर वुड बी लाइबल बाई कस्टम टू डू। तो हर वो वर्क करना उसकी जिम्मेदारी है जो नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर मुदारिब की जिम्मेदारी हुआ करती है। In this case, the mudarib is not entitled to a fee for this work as this is the part of his responsibilities. Uski wo alag se koi fees charge nahi kar sakta kyunki uski responsibility hai. If mudarib appoints an other party on an ijara, yani hiring contract, ijaratul ashkhas ki buniyad par, basis to carry out such work, us kaun sa work jo uski apni zimmedari thi, uske liye wo kisi ko rakh leta hai, the wage for the worker must be paid from the personal funds of mudarib. To wo mudarib ki jeb se salary jayegi, mudarba fund se nahi jayegi, and not from the mudarba fund. The mudarib may hire against the account of mudarba funds and other party at the prevailing rate to execute work that is not by custom the responsibility of mudarib. Ha, jo kaam mudarib ki responsibility nahi hai, लेकिन साहब जरा लेबर तो रखनी है, तो वो जो लेबर रखेगा उसकी तनख्वाह मुदारबा फंड से जाएगी। 9/5, मुदारिब इज नॉट एंटाइटल्ड टू सेल आइटम्स फॉर मुदारबा ऑपरेशंस एट लेस देन कॉमन और मार्केट प्राइस और टू बाय आइटम्स फॉर द मुदारबा ऑपरेशंस एट ए प्राइस हायर देन द कॉमन प्राइस। हाँ, ये ध्यान में रख लें, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। एक चीज मार्केट में मिल रही थी 100 रुपए की, मुदारिब क्या करता है 150 रुपए की ले लेता है किसी से, भी क्यों? डर आता है कि भी कहीं इसने कमीशन तो नहीं मिक्स किया हुआ था। जरा पाकिस्तान में जैसे हमारे हुक्मरान करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी एक मुल्क सस्ती देना चाहता है, उससे छोड़कर महंगी बिजली खरीदते हैं, बाद में पता चलता है किकबैक्स खाई हुई है, क्योंकि पैसा तो कौम का जाना है। तो बिल्कुल ऐसे ही मुदारिब कर सकता है, जी पैसा तो रब्बुल माल का जाएगा। लिहाजा अगर मार्केट में ए पर्सन ए से वो चीज 100 रुपए की मिल रही है और पर्सन डी उसको 150 की दे रहा है, और वो ये कहता है बिल तुम 150 का दूंगा, पे तुम 120 कर लेना, 30 रुपए तुम्हारे, तो बीच में तो कमीशन खाएगा, दो नंबरी हो जाएगी। इस वजह से वो कहते हैं कि मुदारिब को ये इजाजत नहीं है कि अगर कोई एसेट सस्ता मिल रहा है तो वो महंगा करके खरीदे, या मुदारबा का कोई एसेट बेचना पड़ गया और वो मार्केट में एक जगह महंगा बिक रहा है, उसको क्या कर देता है, वो सस्ता बेच देता है। अगेन वहां पर भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, इसलिए उसको इस तरह की इजाजत नहीं है। अनलेस, हाँ, इल्ला ये कि सच एक्शन इन आइदर केस इज इंटेंडेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव दैट इज ऑब्वियसली इन द इंटरेस्ट ऑफ मुदारबा, मुदारबा के मफाद में अगर बाज़ औक़ात ऐसा करना कहीं मुनासिब हो जाए तो कर लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मुदारबा खत्म करना है, रब्बुल माल कहते हैं मेरी टिकट है शाम की, मैंने निकलना है गैर मुल्क, लिहाजा मुझे पैसा चाहिए बिजनेस, अब औने पौने दाम करके चीजों को बेचना पड़ेगा ताकि मुदारबा कंक्लूड हो जाए, तो यहाँ पर एक और अलग बात है। 9/6, इट इज नॉट परमिसिबल फॉर मुदारिब टू मेक अ लोन और अ गिफ्ट और अ चैरिटेबल डोनेशन आउट ऑफ द मुदारबा फंड्स। ये जायज नहीं है मुदारिब के लिए कि वो मुदारबा फंड से सखावतें करता फिरे, लोगों को कर्जे दे दे, ये लो जी तुम्हें सदका दे दिया, तुम्हें खैरात दे दी, तुम्हें चैरिटी दे दी। लाइकवाइज द मुदारिब इज नॉट एंटाइटल्ड टू वेव ए राइट एसोसिएटेड विद द मुदारबा ऑपरेशंस अनलेस द कैपिटल प्रोवाइडर हैज कंसेंटेड टू डू सो। बाजू का ऐसा भी होता है कि मुदारिब मिसाल के तौर पर कर्जा चल रिसीवेबल है, चल ऐसा कर आधा कर्जा दे दे आधा तुझे माफ, हालांकि वो राइट किसका है? रब्बुल मालिक।
तो उसके साथ तो रबुल माल का राइट अटैच है, तो तुमने किस बुनियाद पे माफ कर दिया भाई? हाँ, अगर रबुल माल इजाजत दे दे तो माफ कर सकता है। ये वो क्लॉज है जिसके ऊपर मैंने रनिंग मुशारका की प्रोडक्ट पे एक क्लॉज के ऊपर मैंने ये उठाया था। जस्टिस तक उस्मानी साहब ने इसके ऊपर जवाज का फतवा दिया था, मेरा आर्टिकल ये पब्लिश हुआ फिक्र नजर में, तो उसमें मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था कि जस्टिस तक उस्मानी साहब का कहना यह है कि रनिंग मुशारका में इस्लामिक बैंक एक प्रॉफिट सील कर देता है और ये कह देता है इन्वेस्टर को कि इसके ऊपर का जितना प्रॉफिट है उसमें से सारा तुम्हारा मेरे लिए 0.00001% दे देना, यानी 1,00,000 रुपए में से 1 पैसा मुझे दे देना, बाकी तुम्हारा। वहां पर मैंने ये क्लाज उठाई थी। तो उस्मानी साहब का कहना यह है कि अभी मुदारबा मुतलका है और उसको यह हक हासिल है कि वो ये डिसीजन ले सकता है। हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। और वो ये जो 0.001% है ये इतने इस इतराज से बचने का, देखें जी डोनेशन तो नहीं हुई, उन्होंने अपना शेयर तो लिया है। हम कहते हैं कि शेयर के लिए भी उर्फ को देखा जाता है। आप जो कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपए में से 1 पैसा भी उर्फ में तो दिखाएं, कौन सा ऐसा बेवकूफ पार्टनर है जो ये कहता हो कि जना 1,00,000 रुपए में से 1 पैसा मुझे दे दे, बाकी आप रख लें। बात समझ आ गई है? तो इसलिए ये क्लास कहती है, अब इस्लामिक बैंक जब क्लाइंट को देता है किस फंड से देता है? मुदारबा फंड से देता है, सेविंग अकाउंट से। और वो सेविंग अकाउंट किसका राइट है? डिपॉजिटर्स का राइट है। तो इस्लामिक बैंक कहां आ गया अपने एक बिलियनेयर को जिसको रनिंग मुशारका दिया हुआ है उसको सारा का सारा प्रॉफिट दे दे और उनसे सिर्फ 1 पैसा ले ले, और वो 1 पैसा भी किसके अकाउंट में जाएगा? डिपॉजिटर्स के अकाउंट में। मुझे बताएं जहां 1,00,000 डिपॉजिटर्स हो वहां पे 1 पैसा आपने भेजा तो कौन सा आपने हाथ अंतरे का काम किया? ये इसकी यहां पर रनिंग मुशारका के अंदर हमने, इसीलिए मैंने उसको अपोज किया। मैंने कहा ये रनिंग मुशारका ठीक नहीं है, और इसके ऊपर पहला आर्टिकल भी रिसर्च आर्टिकल मेरा आया था, इसके ऊपर मैंने नाराज ठीक ठाक मुझे भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उस्मानी साहब के शागिर्दों की तरफ से। दोबारा ये क्लास वहां पर वायलेट होती है। इफ द मुदारिब हैज ए राइट टू रिसीव लिविंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द मुदारबा फंड्स that has been approved by the capital provider, then he is entitled to amount so approved for him. हाँ, वो अपने रिहायश के खराजात भी, मैं इस शहर में अजनबी हूँ, मुझे हॉस्टल रहना है, मेरा खाना पीना है, अगर वो रब्बुल माल की इजाज़त से उसमें से डिडक्ट कर लेता है तो वो उसके इलाज हुआ है। If there is no agreement on this, अगर नहीं था, then the mudarib should take living expenses in accordance with the custom and the reason. हाँ, फिर वो देखा जाएगा कि customary practices के अंदर क्या चल रहा है कि भी रहने पीने के खाने पीने के खराजात कितने होते हैं। The mudarib is also entitled to travelling expenses in accordance with custom and reason. तो फिर वो travelling के खराजात भी ले सकता है। मुमकिन है कि भी उर्फ में वो क्या करता है, वो इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए फ्लाइट बुक कर लेता है, जबकि वो डेवो से भी जा सकता था। तो देखा जाएगा कि नॉर्मली ये ट्रेवल बाय रोड होता है या बाय एयर होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो शाह खर्चियाँ करता फिरे और फिर नुकसान किसका हो? रब्बुल। Liquidation of Mudarba contract. 10/1. A Mudarba contract can be liquidated in following manner. Mudarba kab khatam ho sakta hai? Being a non-binding contract, kyunki humne ye padha tha ki Mudarba akde ghair lazim hai. It can be liquidated by unilateral termination of the contract by one of the parties. Dono mein se koi ek bhi is contract ko kya kar sakta hai? Cancel kar sakta hai. With the agreement of the both parties. दोनों के दोनों राजी हो जाएं कि भी अब खत्म करने लगे हैं तो भी खत्म हो जाएगा। On the date of the maturity of the two parties had earlier agreed to set a time limit for it. अगर दोनों ने पहले टाइम मुकर्रर कर लिया था कि भी 6 महीने तक हमारा मुदारबा चलेगा तो 6 महीने तक मुदारबा चलेगा। When the funds of मुदारबा contract have been exhausted or have suffered losses, ये भी हो सकता है जब पैसे ही खत्म हो गए हैं तो फिर आप किस चीज का मुदारबा? The death of mudarib or the liquidation of the institution that acts as mudarib. Ya to mudarib mar gaya ya mudarib ek institution tha aur wo default kar gaya bik gaya to bhi mudarba khatam. On the maturity of mudarba operation the assets should be liquidated in a manner explained in item 8/8. Agar mudarba mature ho gaya to asset bech diye jayenge.